मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा के बारे में। लोकसभा में एक विशेष बैठक बुलाई गई। उस विशेष बैठक में बहुत सारे सांसदों को अपनी बात कहने का मौका दिया गया। सरकार के सारे नेता बैठे, सरकार के सारे मंत्री बैठे और हमारे देश के बहुत सारे उस समय तो बहुत विद्वान किस्म के लोग पार्लियामेंट में हुआ करते थे। महावीर त्यागी जैसे लोग पार्लियामेंट में हुआ करते थे, प्रकाशवीर शास्त्री जैसे लोग पार्लियामेंट में हुआ करते थे। तो ऐसे लोग थे पार्लियामेंट में, तो उनकी बात तो सरकार को सुननी ही थी। तो इसके लिए एक विशेष चर्चा सत्र आयोजित हुआ। उस चर्चा सत्र में जो भी वक्ता आए, जिन्होंने भी सांसदों ने खासदारों ने भाषण दिया, सबके भाषण में से एक ध्वनि ऐसी निकलती थी कि ये 72,000 वर्ग मील जमीन हमारी कब वापस आएगी। महावीर त्यागी जी ने जब भाषण अपना दिया, उन्होंने तो बिल्कुल स्पष्ट सरकार को पूछ लिया, प्रधानमंत्री से पूछ लिया कि आप लोगों की गलती से ये 72,000 वर्ग मील जमीन हमारी चीन में चली गई। आप लोगों की गलती से माने आप लोग थे जिन्होंने सेना में ढिलाई की, आप लोग थे जिन्होंने सेना की रसद सामग्री उत्पादन करने वाले केंद्र को बंद करा दिया, आप लोग थे जो विदेशों में घूमते थे, सेना की तैयारी पर आपका कोई ध्यान नहीं था, रक्षा मंत्री थे जो रक्षा का काम कम करते थे, विदेश मंत्रालय का काम ज्यादा करते थे, ये आप ही लोगों की ढिलाई थी, आप ही लोगों की गलतियां थी जिसकी वजह से चीन को मौका मिला और उन्होंने ये सब किया। तो अब आप हमें ये बताइए कि आप 72,000 वर्ग मील जमीन भारत में वापस कब लाने वाले हैं। तो पंडित नेहरू सुनते सुनते परेशान हो गए थे, ये कई लोगों ने प्रश्न पूछा था। तो पंडित नेहरू खड़े होकर कहने लगे कि अरे क्यों उस जमीन की बात करते हो, वो तो बेकार जमीन थी, बंजर जमीन थी, ऊसर जमीन थी, उस पर तो घास का एक तिनका भी नहीं उगता था, चली गई तो चली जाने दो, अभी उसके लिए क्या रोना। ये पंडित नेहरू ने कहा, इसको मैं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं। इस देश का एक प्रधानमंत्री खड़े होकर हिम्मत के साथ अपनी गलती स्वीकार करे संसद में कि हां हमसे गलती हुई। पहली गलती तो यह कि बीके कृष्ण मेनन को रक्षा मंत्री बनाया, दूसरी गलती यह कि सेना की रसद सामग्री बनाने वाले उत्पादन केंद्रों को बंद कराया, तीसरी गलती यह कि सेना का रक्षा खर्च लगातार आपने कम कराया। तो कोई खड़े होकर संसद में ईमानदारी से अपनी गलती स्वीकार करे बजाय उसके पंडित नेहरू ने अपनी गलती को सही साबित करने के लिए एक स्टैंड ले लिया। और क्या स्टैंड ले लिया कि वो जमीन चली गई तो चली जाने दो, उसके लिए क्यों माथामारी करते हो। और तर्क क्या उसके लिए कि वो बेकार जमीन थी, बंजर जमीन थी, ऊसर जमीन थी, उस पर घास का एक तिनका भी नहीं उगता था, चली गई तो चली जाने दो। तो महावीर त्यागी बहुत मुंहफट आदमी थे। मुंहफट से मेरा मतलब एकदम बोलने वाले, जो उनके दिल में आया तुरंत बोलना, वो इंतजार नहीं करते थे। और ऐसा आदमी बहुत सच्चा आदमी होता, जो दिल में आई बात वो सामने बोल देना, आपको खराब लगे या अच्छी लगे। ऐसा आदमी कभी भी धोखा नहीं देता, चरित्र में भी और किसी भी दूसरे स्तर, मन में आई दिल में आई तुरंत उन्होंने बोल दिया। तो महावीर त्यागी के दिल में आया और खड़े होकर उन्होंने कहा कि अच्छा अगर वो जमीन बेकार थी, ऊसर थी, बंजर थी, उस पर घास का एक तिनका नहीं उगता था, इसलिए आपने उसे चीन को दे दिया, तो आपके सिर पर तो एक भी बाल नहीं उगता, आपकी खोपड़ी तो एकदम सफा चट है, इसको भी काट के चीन को दोगे। पंडित नेहरू को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा जवाब आएगा। और उस समय तक परिस्थिति ऐसी ही थी कि पंडित नेहरू के सिर पर बाल नहीं थे एक भी, सिर करीब करीब उनका गंजा हो चुका था। तो खड़े होके कह दिया शास्त्री जी ने, वो त्यागी जी ने, कि आपके सिर पर तो एक भी बाल नहीं उगता है, तो इसको भी काट के दे दो चीन, क्योंकि उस जमीन पर घास का तिनका नहीं उगता, आपके सिर पर बाल भी नहीं उगता, दोनों बराबर हैं। तो पंडित नेहरू चुप होके बैठ गए और तब शायद पंडित नेहरू को रियलाइज हुआ कि उनसे कुछ गलती हुई। और उसके बाद आप जानते हैं कि उसी हादसे में पंडित जी की जान भी गई। अभी वो इसलिए भी गई कि पंडित नेहरू हिंदी चीनी भाई भाई के प्रबल समर्थक थे, चीन के साथ समझौता करके आए थे, पंचशील नाम का एक सिद्धांत बनाया गया था, एक मसविदा उसके लिए तैयार किया गया था, पूरे देश में एक राजनीतिक नारा दिया गया था, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई। तो उनको रियलाइज हुआ कि हो तो गया ही है कुछ, तो डिप्रेशन के शिकार हुए और उसी में बाद में वो गए।
दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि इसी तरीके के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।